5 ऐसे जानवर जो भूख लगने पर अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। नंबर 5 पर है कैट, जिसे हिंदी में बिलाइया भी कहते हैं। बिलाइया अपने जीव संबंधियों को खाते हैं। बिलाइया एक मांसाहारी पशु होता है। जब बिलाइया को भूख लगती है तो वह अपने शिकार की तलाश में निकलता है। कभी कभी जब बिलाइया को अपना शिकार नहीं मिलता है तो वह अपने जीव संबंधियों को खाने की कोशिश करता है। यह तब हो सकता है जब कितने समय तक भोजन नहीं मिलता और वे बहुत भूखे होते हैं। छोटे बिलाइया कभी कभी माँ के छोटे बच्चों को खाने की कोशिश कर सकते हैं। यह विशेषकर वही बच्चे होते हैं जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है या जिन्हें बिलाइया के शिकार करने की ताकत नहीं होती। बिलाइया अपने शिकार को पकड़ने और मारने के लिए उनकी तीखी नुकीले पंजे कुंजल का उपयोग करता है। बिलाइया एक अकेला पशु होता है और अपने क्षेत्र को अपने द्वारा रक्षित करता है। यह जिस प्रकार इंसान भोजन की तलाश करते हैं, बिलाइया भी अपने लिए भोजन की तलाश करता है। बिलाइया अपने जीव संबंधियों को खाने का यह व्यवहार उनके प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा होता है और इसे उनके सर्वाहारी स्वभाव के साथ जोड़ा जाता है। नंबर 4 पर है स्नैक, जिसे हिंदी में सांप या सर्प भी कहते हैं। सर्प अपने जीव संबंधियों को खाते हैं। सर्प एक सांपेदार प्राणी होता है जो अपने आहार में मांस खाता है। जब सर्प को भूख लगती है तो वह शिकार की तलाश में निकलता है। कभी कभी जब सर्प को अपना शिकार नहीं मिलता है तो वह अपने जीव संबंधियों को खाने की कोशिश करता है। यह तब हो सकता है जब सर्प को बहुत भूख लगती है और वह बिल्कुल पास उपलब्ध शिकार नहीं होता। सर्प के जीवन के विभिन्न संदर्भों में, जैसे कि भूख, भय या प्रतिरोध के लिए यह व्यवहार देखा जा सकता है। 3 नंबर पर है ब्लैक वीडो स्पाइडर, जिसे मकड़ी भी कहा जाता है। हिंदी में ब्लैक विडो स्पाइडर अपने जीव संबंधियों को खाते हैं। ब्लैक विडो स्पाइडर एक छोटी और संक्रामक जानवरी होती है जिसका शरीर भूरे रंग का होता है और पिछवाड़े पर लाला या लाल बिंदु होता है। जब ब्लैक विडो स्पाइडर अपने शिकार की तलाश में निकलती है तो वह अपने जीव संबंधियों को भी खाने का प्रयास करती है। यह विशेषकर मादा ब्लैक विडो स्पाइडर, जो अपने अंडों को रखने के लिए एक चारा बनाती है, अपने छोटे और कमजोर बच्चों को खाने का प्रयास कर सकती है। यह व्यवहार उन समयों पर देखा जा सकता है जब ब्लैक विडो स्पाइडर को प्रतिरक्षा या भोजन की कमी का सामना करना पड़ता है। ब्लैक विडो स्पाइडर अपने जीव संबंधियों को खाने का यह व्यवहार उनके प्राकृतिक स्वभाव के साथ जुड़ा होता है और इसे संतुलन के रूप में देखा जाता है। 2 नंबर पर है चिंपांजी। शिंपांजी अपने जीव संबंधियों को खाते हैं। शिंपांजी मनुष्य के सबसे करीबी विकसित जंतुओं में से एक है, जो अपने जीवन में सामाजिक और बुद्धिमान प्रत्याशा के कारण विख्यात है। शिंपांजी एक मांसाहारी है और यह विशेषकर जब शिकार की तलाश में निकलता है तब अपने जीव संबंधियों को भी खाने का प्रयास कर सकता है। यह व्यवहार विशेषकर युवा शिंपांजी और नवजात बच्चों में देखा जा सकता है जिनके परिवार ने उनके शिकार करने की क्षमता नहीं होती। शिंपांजी के समाज में युद्ध और टेरिटोरियल बहस के दौरान भी इस व्यवहार की घटनाएं देखी गई हैं। यह एक विशेष तौर पर देखा जा सकता है जब शिंपांजी को खाने की कमी होती है और वह भोजन के लिए बाहरी स्रोतों की खोज कर रहा होता है। पहले स्थान पर लायन, जिसे हिंदी में शेर या सिंह भी कहते हैं। सिंह अपने जीव संबंधियों को खाते हैं। सिंह वन्य जीवी होते हैं जो शेर उपनाम से भी जाने जाते हैं। यह मांसाहारी प्राणी होते हैं और अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं।
कभी कभी जब सिंह को अपना शिकार नहीं मिलता है तो वह अपने जीव संबंधियों को भी खाने की कोशिश कर सकता है। यह व्यवहार विशेषकर युवा सिंहों में देखा जा सकता है जिन्हें अभी शिकार करने की क्षमता नहीं होती है। सिंह के जीवन के विभिन्न संदर्भों में जैसे कि खाद्य की कमी या टेरिटोरियल लड़ाइयों के दौरान यह व्यवहार देखा जा सकता है।